उन भक्ति महारानी के पार्श्व में ज्ञान तथा वैराग्य नामक
में जागते की अवस्था में अनकॉन्शियस स्टेट जागते की अवस्था में मूर्छित होकर पृथ्वी पर निबंधित होकर जब भाई खाते हुए लेते रहना। ये जो ज्ञान वैराग्य पुत्रों की बात उठाई गई भागवत महात्म्य में, जितने भी भागवत के सप्ताह करने वाले लोग हैं वो इस भागवत महात्म्य का जोर शोर से हल्ले गुल्ले से पहले दिन मकान करते हैं। और ये जो भागवत महात्म्य है ये पद्म पुराण में आया। तो जिस भागवत महात्म्य में नारद तथा ज्ञान मुक्ति वैराग्य की बात, वहां पर जो ज्ञान और वैराग्य को भक्ति का पुत्र माना गया वो यही ज्ञान वैराग्य है जिसकी भागवत का ये श्लोक चर्चा कर रहा है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता है जनयत्याश वैराग्य ध्यान चयनि। यह भक्ति महारानी जनयति आशु शीघ्र ही जनन करती है, शीघ्र जनन कौन कर सकती है, जननी माता कर सकती है। और वहां पर भी यही बात सिद्ध हुई कि ज्ञान तथा वैराग्य दोनों भाई दोनों सहोदर मूर्त रूप धारण करके अपनी जननी भक्ति महारानी वैराग्य है। ये कौन से ज्ञान और कौन से वैराग्य है? ये वैराग्य है संबंध तत्व के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। ये जिस ज्ञान की यहां पर बात की जा रही है कि साधन भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं शीघ्र ही, आशु शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं सत्वर भाव से त्वरित त्वरित रूप से त्वरित शीघ्र उत्पन्न होता है। यह जिस ज्ञान वैराग्य यहां पर जिस ज्ञान की बात हो रही, क्या ये वही ज्ञान है जो साधन भक्ति के प्रारंभ में संबंध तत्वात्मक जो ज्ञान है जिससे लड़ी से होकर साधन भक्ति की जाती है? संबंध तत्व का जो ज्ञान है जिस संबंध तत्व का निरूपण करने के लिए श्री जीव गोस्वामी प्रभु को चार चार संदर्भ लिखवाने पड़े। 75% of the sandarbhas are only occupied discussing sambandha tattva and then other 25% is engaged in discussing the vidhe and prayojan tattvas respectively. पांचवे और छठवें संदर्भ ही केवल अभिनय तथा प्रयोजन की मीमांसा करते हैं ना। भक्ति और प्रीति संदर्भ भी अभिनय तथा प्रयोजन तत्व की मीमांसा करते हैं। पहले के जो चार संदर्भ है तत्व तो भगवत कृष्ण परमात्मा वो तो केवल संबंध तत्व का ज्ञान देने के लिए ही प्रवृत्त हो गए। तो इसीलिए संबंध तत्व का जो ज्ञान है जिससे युक्त होकर साधक साधन भक्ति को करता है, क्या उस ज्ञान की यहां पर बात हो रही है? वो जीव ब्रह्म के ज्ञान की तो बात हो ही नहीं रही है। जो निर्विशेष ब्रह्मवादी ज्ञान वाली लोग जिसको अपनाते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा अद्वैत है, दोनों के बीच में दोनों एक है, दोनों का तादात्म्य है, उस जीव ब्रह्म के ज्ञान को तो भक्ति मार्ग में पहले ही तिलांजलि दी जाती है ज्ञान प्रमाण के नाम पर। उसकी तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर बात नहीं हो सकती, ये तो हमने पहले ही समझा दिया। तो क्या ये संबंध तत्व का ज्ञान है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है? ये भक्ति महारानी जिस ज्ञान को उत्पन्न करती है, जिस ज्ञान की तस्विनी है, जिस ज्ञान की जननी माता है, ये उत्पादिका है, ये जो ज्ञान है ये क्या संबंध तत्व का ज्ञान है? प्रश्न उत्तर स्वाभाविक है, उत्तर ज्ञान ही है। क्यों नहीं? क्योंकि जो संबंध तत्व का ज्ञान है वो यद्यपि भक्ति का एक आवश्यक अंग माना गया है परंतु संबंध तत्व के बिना अभिधेय में प्रवर्तन ही नहीं हो सकता, प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे आचार्य पादुकों ने श्रीमद् महाप्रभु की विचारधारा का अनुगमन करते हुए पहले संबंध को रखा, फिर अभिधेय को रखा, फिर प्रयोजन को रखा। पहले ठीक ठीक जानना कि जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, तीनों के बीच में संबंध क्या है, उस परब्रह्म के तीन स्वरूप है ब्रह्म परमात्मा भगवान, सब कुछ ठीक ठीक जानना, ज्ञान प्राप्त करो, तत्पश्चात साधन भक्ति में प्रवेश करो, तत्पश्चात अभिधेय को अपनाओ और तत्पश्चात साधन के फल स्वरूप परिणाम स्वरूप अंतिम लक्ष्य स्वरूप प्रयोजन पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्त करो। लेकिन क्रम गड़बड़ा जाता है प्राय, इसीलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो संबंध तत्व का जो ज्ञान है उसके बिना तो अभिधेय में साधन भक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। और यहां पे तुझे कहा जा रहा है कि साधन भक्ति के परिणाम स्वरूप ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं, तो
नेचुरली स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जिस ज्ञान की बात हो रही है वो संबंध तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध तत्व का ज्ञान तो पहले ही आवश्यक है। पश्चात साधन भक्ति में परिवर्तन है, साधन भक्ति जब अपनी स्थिति की अवस्था पर पहुंचने लगती है तब जाके पुनः ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जिस ज्ञान की बात की जा रही है वो निस्संदेह संबंध तत्व का ज्ञान नहीं है। It is not the theoretical knowledge derived from the shastras and the shastric contemplation प्रज्ञा जिसकी सुबह बात हो रही है वो ये प्रज्ञा नहीं है, वो ये साधारण शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, theoretical knowledge नहीं है, ये संबंध तत्व का ज्ञान नहीं है जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है, और जो कि साधन भक्ति के prerequisite के रूप में साधन भक्ति की पूर्व योग्यता के रूप में आवश्यक है, वो ये संबंध तत्व का ज्ञान भी यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है। यहाँ पे जो ज्ञान उत्पन्न होने की बात की गई है वो अंतः और बहिः भगवान का जो दो प्रकार से साक्षात्कार साधक को होता है सिद्धि की अवस्था में, प्रेम प्राप्ति के कुछ समय पहले ही साधक या उसी समय युगपत समय प्रेम प्राप्ति के समय में ही जो साधक है वो भगवान का अंतर और बहिः एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो प्रकार का साक्षात्कार कर लेता है। उस साक्षात्कार के द्वारा जो भगवत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है जिसको विज्ञान कहते हैं, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एब्सोल्यूट ट्रुथ बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और जिसमें वही साक्षात्कार अधिक श्रेष्ठ माना गया जीव गोस्वामी के अनुसार प्रीति संदर्भ अंतर साक्षात्कार इतना श्रेष्ठ नहीं है। हृदय के अंदर जो है भगवान की स्फूर्ति हो जाना जैसे नारद को हुआ, नारद को हुआ कि नहीं, हृदय के अंदर भी स्फूर्ति हुई ना दासी पुत्र के रूप में, वो इतना श्रेष्ठ नहीं माना गया। बाहरी साक्षात्कार जब होता है नेत्रों के द्वारा ये नेत्र अप्राकृत हो जाते हैं उतने समय के लिए, और तब जाकर भगवान का साक्षात्कार। और आप यदि ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, यदि आप जो है उस विवरण को पढ़ेंगे जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निज कृता माधुर्य गाथा मिली की अष्टमामृत लहरी जो अंतिम जो आठवां अध्याय है, आठवें अध्याय के अंत में जो ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है कि किस प्रकार से साधक जब सिद्धि की अवस्था को पहुंचता है तो किस प्रकार से भगवान क्रमशः उसको अपना बहिः साक्षात्कार कराते हैं। पहले केवल सौरस्य सौरभ्य आदि का दान करते हैं और तत्पश्चात पांचों को एक साथ फेंकते हैं साधक के ऊपर और साधक उसको झेल नहीं पाता है, उसको कहते हैं औदार्य। सबकी हम यहाँ गहराई में नहीं जाएंगे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो बहिः साक्षात्कार है, इस वही साक्षात्कार से उत्पन्न जो विज्ञान है, भगवत की अनुभूति से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसी को यहां पर ज्ञान कहा गया। ये ज्ञान उस साधन भक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, प्रेम भक्ति की अवस्था उपस्थित होने का, सात्य भक्ति की पराभक्ति की अवस्था उपस्थित होने का। और वहां पर जिस वैराग्य की बात की गई ये भी कोई साधारण वैराग्य नहीं है, जो साधन भक्ति के समय साधन भक्ति के अनुशीलन के समय में जो वैराग्य अपनाया जाता है जिसको युक्त वैराग्य कहते हैं, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मोक्ष विहि परित्यागो वैराग्य फलभु कथ्यते, उसका तो पहले ही निराकरण हो चुका ज्ञान कर्मा के नामकरण के द्वारा। लेकिन अनासक्तस्य विषयाः यथार्थं विरुञ्जतः निबन्धः कश्व संबंधे युक्त वैराग्य वक्षते, ये तो साधन भक्ति में आवश्यक है। क्या इस वैराग्य की बात हो रही है कि अनासक्त होकर विषयों का अनुभव करते रहे, हरि सेवा में जो विषयों का प्रयोजन करते रहे, तो युक्त वैराग्य की बात तो हो रही है यहां पर। ये जो वैराग्य उत्पन्न होता है ये प्रकार का युक्त वैराग्य तो है, ये नीति की प्रारंभिक दशा वाला युक्त वैराग्य नहीं, प्रारंभिक दशा वाला युक्त वैराग्य नहीं, यह सिद्धि की अवस्था वाला युक्त वैराग्य है। यहां पे स्वाभाविक रूप से जो सिद्ध है जो प्रेमी भक्त है वो संसार की समस्त विषयों से वितृष्ण हो जाता है, रागहीन आसक्तिहीन हो जाता है, ममताहीन हो जाता है, यहां पर स्वाभाविक वितृष्ण है। और उस युक्त वैराग्य में स्वाभाविक वितृष्ण नहीं था,
व्यक्ति को शास्त्र का आदेश मानकर अनासक्ति को अपनाया गया था। वो स्वाभाविक नहीं थी वहां पर अनासक्ति, यहां पर वो विकृष्णा वो अनासक्ति स्वाभाविक हो जाती है। कृष्ण तक समस्त विषयों में से जो अनुराग है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। वहां पर केवल अनासक्ति को दबाया गया। सांप को यदि मार नहीं सकते तो उसे कम से कम बिना दांत का पकड़ सकते हैं। तो वहां पर जो है टेम्पररी सॉल्यूशन एडॉप्ट किया गया था। साधक साधन की अवस्था में जब युक्त वैराग्य की बात चली है अनासक्त से विषय, यहां पर जो है परमानेंट सॉल्यूशन स्वाभाविक रूप से समस्त विषयों से कृष्ण तो जमा देखिए उसकी कोशिश है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये ज्ञान और वैराग्य की प्रसन्नी जो भक्ति महारानी, ये भक्ति महारानी वासुदेव ने भगवती भक्ति योग प्रयोजित रहा। भगवान वासुदेव ने जिस भक्ति योग को प्रयोजित किया जाता है तो प्रयोजित करने का तात्पर्य क्या माने? ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा माने नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान मिश्रा में भक्ति जो होती है वो भगवान वासुदेव में प्रयोजित तो होती है परंतु केवल आपात दृष्टि से प्रयोजित होती है, केवल बाह्य दृष्टि से प्रयोजित होती है। अंततोगत्वा उस भक्ति का प्रयोजन श्री भगवान को तुष्ट करना नहीं है। ज्ञान मिश्रा भक्ति का जो अंततोगत्वा प्रयोजन है वो भगवान को तुष्ट करना नहीं है, वो है ब्रह्म साहित्य भक्ति प्राप्त करना। कर्म मिश्रा भक्ति का जो प्रयोजन है वो अंततोगत्वा भगवान को तुष्ट करना ना होगा, ऐसी तथा पारलौकिक भोगों की प्राप्ति करना है। उसी प्रकार से योग मिश्रा आदि अन्य को भी आप जान लीजिए। इसीलिए वहां पर आपात प्रयोजन भगवान को तुष्ट करना भले ही हो, क्योंकि देखिए भगवान की तुष्टि के बगैर न ज्ञानियों को साहित्य मुक्ति मिल सकती है न कर्मियों को भुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्या कर्मी और ज्ञानी को भुक्ति मुक्ति दोनों की प्राप्ति नहीं होगी यदि भगवान का प्रसाद नहीं रहेगा तो? क्योंकि मोक्ष जो है भगवान के अधीन है ना, इसीलिए तो कहा गया कि विष्णु प्रदाता मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशयः। पद्म पुराण में कहा गया कि समस्त प्राणी मात्र को मोक्ष प्रदान करने वाले निश्चय और केवल भगवान विष्णु ही है। यहाँ तक कि शंकर भी मणिकर्णिका घाट काशी पर जब मुर्दों के कान में तो वो भी राम रूप राम नाम रूपी तारक मंत्र का उपदेश देते हैं तब जाकर मुक्ति होती है। इसलिए शंकर ही वास्तव में मोक्ष के हेतु नहीं है, मोक्ष का हेतु तो स्वयं भगवान या उनका नाम ही है। इसलिए विष्णु मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विश्व एव न संशयः, कोई संदेह नहीं। तो इन कारणों से कर्मी ज्ञानी दोनों ही जानते हैं, दोनों बड़े चतुर महामूर्ख है। हमने सिद्ध किया कि स्वामी को प्रसन्न करना चाहते हैं दासी की कृपा प्राप्त करना, सुबह हमने सिद्ध किया। तो महामूर्ख तो है परंतु साथ साथ थोड़े चतुर भी है। ज्ञान मिश्र कर्म मिश्र तो साधक है थोड़े चतुर भी है। चतुर इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी जो भुक्ति और मुक्ति की अभिलाषाएं है वो बिना भगवान की कृपा के उनके प्रसाद के उनकी तुष्टि से उनके बिना उसकी उनकी तुष्टि के पूरी नहीं होगी। इसीलिए जो ये कहा गया कि वर्णाश्रमाचार लता पुरुषे परम कुमार विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत्र दोष कारणम पद्म पुराण में, कि वर्णाश्रम के अलावा भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का अन्य कोई साधन नहीं है। ये केवल एग्जाजरेशन है, ये केवल अतिशयोक्ति है। वर्णाश्रम जो है ये स्वरूप सिद्धा भक्ति नाना भक्ति थोड़ी है, ये तो कर्म है, जड़ कर्म है वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम के द्वारा जो ये कहा गया कि भगवान बड़ी संतुष्ट होते हैं पद्म पुराण में, और ये राय रामानंद महाप्रभु संवाद का सबसे पहला सोपान मध्यविधा आठवां अध्याय चक्र चर्चा में सबसे पहले यही से बात शुरू हुई वर्णाश्रमाचार। तो यहां पर वर्णाश्रम के द्वारा भगवान को संतुष्टि तो होती है पद्म पुराण कहता है, लेकिन वो संतुष्टि केवल उतनी मात्रा में होती है जितनी मात्रा में कर्मी को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान का तोष चाहिए उतनी मात्रा में ही भगवान प्रसन्न होता है। देखिए भगवान की तुष्टि भी एक समान नहीं, कर्मी के लिए जितनी मात्रा में कर्मी की
इच्छा पूरी करने के लिए भगवान का तोष चाहिए, उतना ही भगवान का तोष होगा। कर्मनिष्ठा भक्ति के द्वारा ज्ञानी की सायुज्य प्राप्ति की, मुक्ति प्राप्ति की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान जितने प्रसन्न होने चाहिए उतनी मात्रा में ही भगवान प्रसन्न होंगे। और वहां पे उस प्रसन्नता का तात्पर्य भी अंत में करनी तथा ज्ञानियों के अभिलाषाओं को पूरा करना है। उस प्रसन्नता का तात्पर्य ये, वो प्रसन्नता का भगवान आप अपने लिए प्रसन्न हो ये नहीं होना पड़ता। जबकि शुद्ध भक्ति मार्ग में तब सुख सुखी भगवान की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। इसीलिए केवल शुद्धा भक्ति को ही वासुदेव में प्रयोजित माना जा सकता है। कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा वासुदेव में प्रयोजित है बाह्य दृष्टि से, लेकिन अंत में वहां पर प्रयोजन वासुदेव को संतुष्ट करना न होगा, केवल अपनी भुक्ति मुक्ति आदि वांछाओं को पूरा करना है। इसलिए अंततः तत्व वो कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा आदि जो भक्तियां है वो वासुदेव में प्रयोजित न होगा, भुक्ति मुक्त में प्रयोजित है। इन कारणों से वासुदेव भगवती भक्तियों का प्रयोजन जड़े अत्याशु वैराग्यम ज्ञान चेत कोई व्यक्ति रास्ते पर से गुजर रहा है और देखा कि पूर्व पथिक का कोई पहले जो यहां से चल के गया है, पूर्व पथिक का उसकी जेब में से कुछ नकद भुगतान नीचे गया है, नकद राशि, तो नकद राशि नीचे गई और उस नकद राशि को देखकर और वो जानता है कि वह किस व्यक्ति का है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसके सामने ही गुजरा है और उसके सामने ही घटना हुई है, तो सब कुछ जानता है, लेकिन तथापि वो उस नकद राशि को उसके मूल स्वामी को देने की बजाय, उसके मालिक को देने की बजाय स्वयं रख लेता है। ये कौन है? यह सनातन कर्मी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् एतत्तेन भुञ्जीथा मां वेदहरस्य सिद्धरम्। यह सनातन कर्मी, आप समझ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। हर चीज को बहुत विस्तार में समझाने की आवश्यकता नहीं होती, इतने तो बुद्धिमान है शिक्षक है हमारे श्रोतृगण। यह सनातन कर्मी और ज्ञानी कौन है? जो उस पड़ी हुई वस्तु का, उस पड़ी हुई नकद राशि का उसकी उपेक्षा करके आगे चला जाता है परंतु उसको उसके मूल मालिक को नहीं लौटाता, उसको कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब इन प्रापंचिक पदार्थों की उपेक्षा कर देता है और हरि सेवा में, भगवत सेवा में प्रापंचिक पदार्थों का और स्वयं का निवेश नहीं करता। वो फलू वैराग्य युक्त ज्ञानी है, विशेष धर्म ज्ञानी। और कर्मी कौन है? जो भगवान की वस्तु का स्वयं बोध करना चाहता है। ये दोनों ही बेकार है। इसीलिए पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि वयं तु हरि पाद प्राणायाम सेवा, हम न कर्मी है न ज्ञानी है न योगी है, हम तो केवल भगवान श्री हरि के पाद त्राण उनके जूतों की सेवा करने वाले जो भृत्य है, जो सेवक है, किंकर है, उनके भी हम सेवक के सेवक है। ये कर्मी ज्ञानी दोनों की विचार भारत में गड़बड़ जाती है। तो इन कारणों से जो वास्तविक भक्ति है उस वास्तविक भक्ति का जो स्वरूप है उस स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र हैं उनकी महत्ता को स्वीकारा जाए या आचार्य धर्मों की महत्ता को स्वीकारा जाए, तो यदि यहां पर भगवान के परम भक्ति वाणी को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं तो एक दूसरी बड़ी समस्या और खड़ी होती है कि वही भगवान के परम भक्त शंकर जब आचार्य शंकर के रूप में प्रकट होते हैं तो पुनः उनकी वाणी को प्रामाणिक नहीं माना जाता। आत्मा प्रकाशन तो चात्मान प्रकाशन चमान करो मेरा मुश्को गुप्त रखना यो माया समाप्त था।
रहा है, क्योंकि मैं योग माया से पकड़ा हुआ हूँ, मुझे दिया छोड़ा यहाँ। तो यहाँ पे जो बात थी, हाँ तो ये बात थी। तो हम आत्मा आत्म तो आत्म आत्म की बात चल रही थी। तो संक्षिप्त में हम इतना करना चाहते हैं कि भगवान की जो विशुद्ध भक्ति है, फिर चाहे वो साधन भक्ति की अवस्था में हो, चाहे साध्य भक्ति की अवस्था में हो, ये भगवान की जो स्वरूप होता अंतर्गता आह्लादिनी शक्ति है, उस आह्लादिनी शक्ति की एक वृत्ति है, उसका नाम है कुंभ विद्या। और उस कुंभ विद्या में देखिए विशुद्ध सत्व तीन प्रकार का होता है, लादिनी प्रधान, संवित प्रधान और संधिनी प्रधान। तो जिस विशुद्ध सत्व में संवित तथा संधिनी ये दोनों सामान्य मात्रा में रहते हैं, लादिनी की मात्रा इन दोनों से अधिक रहती है तथा लादिनी अधिक प्रकाशित होती है। In emphasized and most form, in an emphasized and most form, where it gets highlighted. तो इस प्रकार से लादिनी जब अधिक प्रकाशित होती है दूसरी दो की अपेक्षा, तो उस विशेष विशुद्ध सत्व को कुंभ विद्या कहेंगे। और वो जो विशेष विशुद्ध सत्व है उसी से भाव यानी गति, और वही गति गाढ़ी होने पर प्रेम के रूप में प्रकाशित होती है, शब्द सत्व विशेषात्मा। तो ये जो कुंभ विद्या है, इसी कुंभ विद्या से साधन भक्ति की भी शुरुआत, इसी कुंभ विद्या से प्रेमा भक्ति की भी प्राप्ति, दोनों इसी कुंभ विद्या के अंश है। इसीलिए साधन भक्ति भी जड़ कर्म के समान, जड़ ज्ञान के समान नहीं है, जो निर्विशेष ब्रह्मवादियों का ज्ञान है। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर गीता के 14 अध्याय के श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्मवादियों का जो ज्ञान है वो सत्वात् सन्मार्ग के ज्ञान भौतिक सर्वगुण से उत्पन्न है। इसीलिए उनका जो ज्ञान है वो भगवत तत्व तक नहीं पहुंच पाता। अरे उनका जो ज्ञान है वो तो अकेले अपने बल बूते पर निर्विशेष ब्रह्म तक भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो भौतिक सत्वगुणों से उत्पन्न है, जबकि निर्विशेष ब्रह्म जो है त्रिगुणातीत है। इसीलिए उस ज्ञान को भक्ति की आवश्यकता पड़ती है सहायक के रूप में, इसीलिए ज्ञान निष्ठा होता, समझे ना। तो इन कारणों से सत्वात् सन्मार्ग के ज्ञान भौतिक सत्वगुण से उत्पन्न है ब्रह्मवादियों का ज्ञान, और कर्म लोगों ने दस तथा तम से उत्पन्न उसकी तो बात ही छोड़ दी। तो इन कारणों से जो भक्ति महारानी है उसकी दोनों ही अवस्थाएं, चाहे साधन की अवस्था हो चाहे साध्य की अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाएं जो उसकी है वो त्रिगुणातीत है, विशुद्ध सत्व से उत्पन्न होने वाली है, गुह्य विद्या से उत्पन्न होने वाली है। अगर सुनराम ये सिद्ध होता है कि भगवान का जो आत्मा रामत्व है, भक्त साधन जीव भले ही भगवान से प्रथम हो उसकी सत्ता, भले ही वो भिन्नांश हो, लेकिन जो भक्त साधक है वो जब सिद्ध की अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके हृदय में प्रेमा भक्ति विराजमान रहती है, और उस प्रेमा भक्ति के भगवान वशीभूत होते हैं, गौण रूप से उस भक्ति होते हैं, मुख्य रूप से प्रेमा भक्ति के वशीभूत होते हैं। इसीलिए प्रेमा भक्ति के जो दो विशेष लक्षण है भक्ति सामने के सिंधु में, वो सांद्रानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्णा कर्षणी जसा। श्री कृष्ण को अपने नित्य सिद्ध परिक्रम के साथ खींच कर आकर्षित करके वशीभूत करके जो जाती है और उस भक्ति हृदय में आबद्ध कर देती है, जो प्रेमा भक्ति आकर्षित करके जैसे चुंबक जो है आकर्षित करके खींच के आता है, उसी प्रकार से जो आती है प्रेमा भक्ति है। वास्तव में भगवान की अनादिनी शक्ति प्रेमा भक्ति ही भगवान को आकर्षित करती है और भगवान को आनंद प्रदान करती है। लेकिन चूंकि वह प्रेमा भक्ति साधक भक्त जो कि अब सिद्ध बन चुका है उस भक्त के हृदय में विद्यमान रहती है, इसीलिए गौण दृष्टि से ओनली इन सेकेंडरी सेंस ये कह दिया जाता है कि भगवान भक्त में भी वशीभूत है, परंतु यदि देखने जाए तो भगवान अपनी प्रेमा भक्ति यानी अपनी ही अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति के वश में है, और अपनी ही आत्मभूत शक्ति के वश में होने के कारण उनका जो आत्मा रामत्व है, आत्मकामत्व है,
है, पूर्णत्व है, वह खंडित हो जाता है। ये गौड़ीय वैष्णवाचार्य ने निर्गम जवाब दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय अधिक हो चुका है, अतएव जो जो इसका जो संलग्न विषय है उसके लिए आगामी सत्र में कल उसके पश्चात उसकी चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न को ले लें या राग मतलब
गति मतलब प्रेम, जो स्वयं ही प्रेम है, प्रेम जिनके अंदर नहीं है, बहुत बड़ा अंदर है। हम तपस्या शक्ति के अंश स्वरूप जीव है, हम यदि साधन भक्ति करते करते सिद्ध भी हो जाए भक्ति के मार्ग में, तो हम प्रेम को प्राप्त करेंगे, प्रेम हमारे अंदर रहेगा, हम स्वयं प्रेम नहीं बन जाएंगे। यहाँ पर नारात्मिक परिकर स्वयं मूर्तिमान होते हैं, इसीलिए उनके साथ आदान प्रदान में दौड़ता नहीं है, मुख्यतः हमारे साथ आदान प्रदान में हमारी दौड़ता है और प्रेम प्रेम की मुख्यता है, लादी की मुख्यता। हमारे साथ जब भगवान आदान प्रदान करते हैं सिद्ध अवस्था में, तो वहां पर भगवान की इंटरनल पोटेंशियल को सेटिस्फाई करती है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठा हो, कोई महामहिम दिस एक्सेलेंसी, कोई महामहिम जो है अपने वाहन के अंदर आरूढ़, तो उस महामहिम के प्रति सम्मान प्रदान करने का क्या तरीका है, क्या क्या परिपाटी विशेष है, सम्मान प्रदान करने की क्या परिपाटी? तो उसकी जो गाड़ी है, उसका जो वाहन है, उसके ऊपर जो है फूल माला या जो विभिन्न प्रकार की जो सम्मान या उपहार के जो है उससे आप उसको अलंकृत कर दें। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वास्तव में अपने नित्य सिद्ध परिकर के साथ जो आकृष्ट होते हैं साधक सिद्ध सिद्ध भक्त के प्रति, लेकिन वो सिद्ध भक्त कैसा, जो तपस्था शक्ति का अंश है, ऐसे सिद्ध भक्त के प्रति साधन सिद्ध या कृपा सिद्ध, ऐसे साधन नित्य सिद्ध की बात नहीं, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध की बात है। तो साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध के प्रति जो भगवान का आकर्षण है, प्रेम भक्ति की अवस्था है, वो आकर्षण वास्तव में प्रेम भक्ति के प्रति है। परंतु चूंकि प्रेम भक्ति उस साधक के हृदय में आश्रय करके निवास करती है, तो जिस प्रकार से हम we are wanting to pay our tributes to His Excellency seated in the car, but how are we showing our respect by adoring the vehicle? तो उसी प्रकार से भगवान भक्त के जो वश में आते हैं, वो भक्ति के वश में आने की सूचना दे रहे हैं। इसीलिए भक्त वश्यता गौण उपचारार्थ में है, यहां पर मुख्य दृष्टि से केवल भक्ति वश्यता है भगवान की। ये केवल साधन और कृपा सिद्ध भक्तों के संबंध में, नित्य सिद्ध भक्तों के संबंध में तो भगवान स्वयं ही उनके वश में आ जाते हैं, क्योंकि और इंटरनल पोटेंसी क्या है, अग्नि और उसका प्रकाश, कस्तूरी और उसकी सुगंध, ये इंटरनल पोटेंसी। सुगंध जो है अंतर्गत शक्ति है और कस्तूरी शक्तिमान है, प्रकाश जो है अंतर्गत शक्ति है और अग्नि उसका शक्तिमान है। उसी प्रकार से भगवान और उनकी अंतर्गत शक्ति को मानिए, इसलिए अंतर्गत शक्ति के द्वारा भगवान प्रभुवित होते हैं, विनोद को प्राप्त करते हैं, इसलिए उनकी आत्मा आराधना संक्षेप में आज की कथा का संक्षेप, भक्त की महिमा, भक्त कितने बुद्धिमान है और कितने चतुर है। तो प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि रस्ते में 100 रुपए पड़े हुए, एक व्यक्ति आया, उसने वो 100 रुपए उठा के अपनी जेब में डाल दिए, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आया, वो 100 रुपए को वहीं छोड़ गया पड़ा हुआ, वही जाके छोड़ दिया। और तीसरा व्यक्ति आया, तो 100 रुपए को उठाया और जिसका था उसको जाके दे दिया। एक ने जिसका था उसको न देके अपनी जेब में डाल दिया, एक ने वही पड़ा छोड़ दिया, और तीसरे ने क्या किया, तो 100 रुपए को जिसका था उसको जाके। तो जेंटलमैन कौन है, जिसका था उसको, only the pure devotee of the Lord, this gentleman। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त है, जैसे प्रभु
को इतने ही 100 रुपए मिले, करोड़ों करोड़ों रुपए मिले, लेकिन जिसके थे उसको लक्ष्मी जी नारायण भगवान की है, कृष्ण भगवान की है, और प्रभुपाद जी ने जितनी लक्ष्मी प्रभुपाद जी को मिली वो सब लक्ष्मी भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दी। एक पैसा भी अपने लिए और अपने पूर्व परिवार के लिए नहीं रखा। कई बार जो बड़े बड़े संत महात्मा आखिर में धोखा खा जाते, कई संत महात्माओं का एग्जाम्पल है और वर्तमान में भी कई संत महात्माओं का एग्जाम्पल, वो उनके पास जब धन दौलत हो जाती है तो उनके परिवार वाले उनके सगे संबंधियों की तरफ धकेल देते हैं, ये अपनी आंखों से हम देख सकते। जैसे एक स्वामीनारायण संस्था है गुजरात में, तो उसके जो फाउंडर थे सहजानंद स्वामी, सहजानंद स्वामी थे, उन्होंने वो संस्था स्थापित की, तो बहुत बड़ी संस्था हो गई, बड़े राजे महाराजे भी उनके चेले बन गए, करोड़ों करोड़ों रुपए आज से 200 वर्ष पहले हुआ। जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाने लगे, उनको चिंता होने लगी, किसको दो, ये इतना सब कुछ हो गया है, किसको दो किसको दो, चेले सब उनकी जो है साधु संत थे सब आपस में झगड़ने लगे, मैं गद्दी पर बैठो, वो बोलता है मैं गद्दी पर बैठो, और तो हुआ क्या, फाइनली वो अयोध्या के पास में एक गांव है छपैया, वहां के वहां से उन्होंने अपने भाई के दो लड़कों को बुलाया, अपने भाई के जो पूर्व आश्रम का जो भाई था उसके वो भाई के दो लड़के अयोध्या प्रसाद और रघुवीर प्रसाद, दोनों भाइयों को बुलाया और एक को जो है अहमदाबाद की गद्दी पर बिठाया और दूसरे को पड़ताल, और दो गद्दी थी दोनों भाई के दो लड़कों को अपनी गद्दी दे दी और इस दुनिया से चले गए। और बड़ा मुश्किल था, लेकिन इधर प्रभुपाद जी थे कि भगवान के पैसे एक एक पैसे को जो भगवान की सेवा में लगा दे, और गए उनका जो पूर्व आश्रम था उनकी पत्नी भी थी प्रभुपाद जी, दो लड़के भी थे, बहन भी थी, लेकिन किसी को एक ढेला भी नहीं दिया, बोल दिया अभी मैं सन्यासी हूँ, क्योंकि जब साधु सन्यासी के पास बहुत धन दौलत हो जाती है तो पूर्व आश्रम के जो रिलेटिव होते हैं फिर आगे पीछे घूमने लगते हैं और कभी कभी बड़े महात्मा उसमें फिसल जाते। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त है वही वास्तव में जंगल है, तो भगवान की बस्ती वस्तु को और भगवान को अर्पण करता है। एक पॉइंट ये आज की कथा में था। दूसरा, कर्मी का और आज भी कहा, ये जो कर्मी है और ज्ञानी लोग हैं और योगी हैं वो क्या करते हैं, स्वामी को प्रसन्न करते हैं दासी की प्राप्ति के लिए, स्वामी को सुबह की कक्षा में चर्चा, सुबह की कक्षा में स्वामी मालिकिन को खुश कर रहे हैं दासी की प्राप्ति के लिए, ये तो बोलता है अरे जब मालिकिनी को प्राप्त कर रहे तो उन्हीं को प्राप्त करो, लेकिन नहीं, वो जो है ये ज्ञानी लोग जो है राधा रानी मतलब भक्ति महारानी को तो प्रसन्न कर रहे हैं लेकिन किसके लिए, मुक्ति के लिए, क्या मुक्ति, और कर्मी लोग जो है भक्ति कर रहे हैं किसके लिए, मुक्ति के लिए, तो बहुत इंटेलिजेंट नहीं बहुत बुद्धि नहीं। फिर बोला आज की कथा में संबंध अभिधेय और प्रयोजन तीन वस्तुओं का चर्चा किया। संबंध किसको कहेंगे, ये गीता के द्वारा हम भगवान के साथ अपने संबंध को जाने, गीता के द्वारा गीता शास्त्र मुख्यतः संबंध का ही चर्चा करता है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, क्या लेन देन है,
कहा किस तरह जो है हम जीवात्मा है, भगवान परमात्मा है, हम उनके अंश हैं, वो अंशी हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये जो शरीर संबंध का क्या, संबंध के बाद क्या होता है, ये अभिदेह। अभिदेह का मतलब साधन भक्ति, भक्ति के ये जो नौ अंग है उनकी प्रैक्टिस करना, इसको अभिदेह कहा जाता है। श्रवण कीर्तन स्मरण, इसको अभिदेह कहा जाता है। और प्रयोजन क्या है, प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्ति। तो संबंध के भगवान कौन है जी, राधा मदन मोहन जी। राधा मदन मोहन भगवान जो संबंध को स्थापित कराते हैं, सनातन गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी के जो भगवान है राधा मदन मोहन, वो संबंध के देव, उनकी आप पूजा करो, उनकी भक्ति करो, तो वो आपका जो है भगवान के साथ जो संबंध है उसको जोड़ देंगे। फिर उसके बाद अभिदेह, अभिदेह के भगवान कौन है, गोविंद देव जी। साधन भक्ति में प्रगति करनी है तो गोविंद देव भगवान की शरण में। और प्रियोजन के भगवान कौन है, गोपीनाथ भगवान। गोपीनाथ भगवान की शरण में जाओ तो आपका, आपको जो है कृष्ण भगवान का जो प्रेम है वो प्राप्त हो जाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, अभी समय नहीं है। महामाया और योग माया भगवान दो आवरणों से ढके हुए हैं, बेचारा जीव क्या करे, दो दो फाटकों को जो है पार करना, और वो भी फाटक जो है लकड़ी के नहीं है, उसे वज्र के बने हुए। पहला जो वज्र का फाटक है, जैसे कथा आती है कि प्रहलाद जी के पीछे पीछे लोगों ने बोला कि प्रहलाद जी हम भी आपके पीछे पीछे चले, प्रहलाद जी आगे आगे जा रहे थे, लोग पीछे पीछे। तो भगवान ने ऐसी माया फेंकी कि सोने चांदी के जो है ढेर पड़े हुए थे, तो उसमें से लगभग 80% तो सोने चांदी के ढेर में फंस गए। फिर आगे चले 20% रह गए प्रहलाद जी के पीछे, तो वहां जो है हीरे जवाहरात के ढेर पड़े थे उसमें फंस गए। फिर और कुछ 10-5% रह गए, तो वहां कई कंचन अप्सराएं जो है और नृत्य कर रही थी, अप्सराओं के नृत्य में रह गए। आखिर में प्रहलाद जी अकेले बच गए, सब रह गए। ये दो दो आवरण है, पहला जो है महामाया का आवरण है और दूसरा जो है योग माया का। पहले जो है दुर्गा देवी खड़ी है, भगवान की तरफ जाओगे तो पहले दुर्गा देवी अपना त्रिशूल लेके खड़ी है, तू जाता रहा है बच्चा कितने ही जन्मों से और मेरे चंगुल में पड़ा हुआ है और तू अभी निकल के जाना चाहता, ऐसा कैसे हो सकता। फिर सुभद्रा योग माया, फिर योग माया सुभद्रा है। और योग माया जो है ज्यादातर तो योग माया के चक्कर में, सॉरी महामाया मतलब दुर्गा देवी, ज्यादातर लोग तो महामाया के ही चक्कर में घूमते रहते हैं कितने ही जन्मों जन्मों से, कभी कभी तो 84 लाख योनी महामाया के ही चक्कर में। और अगर महामाया से भी पार हो गया तो फिर योग माया भगवान की जो सुभद्रा देवी है वो डंडा लेके खड़ी रहती। और कहीं अगर योग माया की कृपा हो गई तो कहीं जाके भगवान के दरबार में एंट्री मिलती है। ये बात की तीन तत् सुख सुखित्वम, भक्ति का जो है सच्ची जो परिभाषा है वो क्या है, तत् सुख सुखित्व। भगवान के सुख में ही हम सुखी हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं वो अगर सुखी है तो हम सुखी हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं वो अगर दुखी है तो हम दुखी हैं। तो भगवान का जो भक्त है भगवान को प्रसन्न करके सुख, अपने प्रसन्न की कभी इच्छा नहीं करते। जब मुझे सुख मिले, शांति मिले, मुझे अंदर जो है एक दिव्य आनंद प्राप्त हो, उसकी उसको कोई चिंता नहीं, वो तो अपने भगवान को खुश करना चाहता है। और जब देखता है कि भगवान खुश हैं तो भक्त खुश हो जाता है।
भगवत धाम प्राप्ति की इच्छा न भगवान के धाम में भी जैसे आजकल जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न है क्यों प्रसन्न है पता है क्योंकि पहले हम सिर्फ खीर मंगल आरती में भोग लगाते थे लेकिन आज है रोजाना अलग अलग और कभी रस मलाई कभी रसगुल्ला कभी खीर का तो होता ही है लेकिन अभी जगन्नाथ जी खीर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते जब कोई भगत रसगुल्ला लाता है तो उसको पहले झपट लेते रस मलाई लाता है तो उसको पहले तो आजकल जगन्नाथ जी इसलिए मंदिर में जगन्नाथ जी बड़े चमत्कार भी कर रहे हैं कई भक्तों को अनुभूति हो रही आज जो है लगभग 100 भगत थे मंगलारती मतलब 4:30 बजे यहाँ जगन्नाथ मंदिर में आज 100 भगत थे सुबह साढ़े चार ये क्या कोई छोटा चमत्कार है किसी को एसी रूम में सोना हो वो भी बेचारा 10 बजे सोया और उसको एसी रूम में से जगा के 3 बजे जगा के स्नान विस्नान करा के और यहाँ पकड़ के लिया ना बहुत बड़ा चमत्कार तो भगवान अगर प्रसन्न है तो भक्त प्रसन्न है ये इस बात की आज चर्चा की ज्ञान मिश्र भक्ति कर्म मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति तीन प्रकार की जो भक्ति है तीन प्रकार की जो भक्ति है ये इसका क्या मतलब है ज्ञान मिश्र का क्या है भक्ति करना है लेकिन ज्ञान के साथ और उसका ध्येय क्या है भक्ति करने का ध्येय क्या है कर्म निर्विशेष कर्म भक्ति करना है कर्म मिश्र भक्ति करना है लेकिन ध्येय क्या है संसार के सुख या स्वर्ग के सुख योग करना है लेकिन भक्ति भी कर रहा है और योग भी कर रहा है कई कई भगत ऐसे होते हैं योग आश्रमों में चले जाते हैं और भक्ति भी करने आते हैं तो वो जो सिद्धियां होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए भगवान भक्ति जो है भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं सिद्धियों की प्राप्ति क्योंकि उसको मालूम है कि बिना भगवान की कृपा के योग भी सिद्ध नहीं होगा ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा कर्म भी सिद्ध इस तरह की ये चर्चा आज की पहले स्टार्टिंग में चर्चा क्या की पता है कि शास्त्र के विरुद्ध अगर भगवान भी बोले तो भगवान की बात को भी नहीं मानना है कोई आचार्य बोले तो आचार्य साधु संत भगवान भी ये बहुत बड़ा पॉइंट है आज की कथा में ये भगवान इसलिए गीता में भगवान ने क्या बोला तस्मात् शास्त्र प्रमाणम् इति शास्त्र के खिलाफ अगर कोई साधु संत कोई बड़ा आचार्य या भगवान स्वयं भी बोले तो भी भगवान की बात को नहीं मानो एग्जाम्पल क्या दिया जी बुद्ध भगवान वो 10 अवतार में से एक अवतार है भगवान है लेकिन चूंकि वेद शास्त्रों के खिलाफ बोल रहे हैं तो भगवान की तो पूजा करते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मानते उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उनको नहीं मानते ऐसे शंकराचार्य बड़े आचार्य हो गए वो खुद शंकर भगवान के अवतार लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिए हैं क्योंकि भक्ति के विरुद्ध है शुद्ध भक्ति का नाश करने वाले हैं मायावाद तो मायावाद को हम नहीं मानते शंकराचार्य के उपदेश को हम नहीं मानते ऐसे हमारा पूरा आदर है सम्मान है भगवान शंकर स्वयं लेकिन विष्णु भगवान की आज्ञा से ही आए हैं और उनको ये काम करना पड़ रहा है इच्छा तो नहीं है लेकिन बुद्ध धर्म को यहाँ से खदेड़ के और सनातन वैदिक धर्म की स्थापना करनी है इसलिए वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं ये आज के उसमें कुछ पॉइंट थे तो ये जो कथा है और 31 मई तक चलेगी और ये कथा जो है भागवत तत्व कथा है यानी आजकल जो टीवियों पे जो आती हैं गाना बजाना और नाचना और कुछ कहानी और इस तरह का करना वो नहीं ये जो है भागवत में जो तत्व छुपा हुआ है भगवान का जो तत्व है वो तो तत्व की कथा आपको श्रवण करने के लिए खुलेगी इसलिए हर रोज शाम को 7:30 बजे आ जाइए और 9 बजे
बजे तक ये कथा इस तरह 31 मई तक रोजाना चलेगी। आप सभी आइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कथा के बाद कुछ प्रश्न भी, एक प्रश्न और उसके बाद उसका संक्षेप, तो आनंद ही आनंद बरस रहा है। सभी प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौर निताई की, निताई गौर प्रेम नंदी। और ये कथा जो है नए मंदिर के लिए समर्पित है। श्री राधा गोपीनाथ भगवान का जो नया मंदिर बन रहा है उसके लिए कथा समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर में आजकल जो भी कुछ हो रहा है नए मंदिर के लिए समर्पित, क्योंकि जल्दी से जल्दी नया मंदिर बने, भव्य मंदिर बने और नए मंदिर में प्रभु जी की कथा हो और वहाँ बड़े से हॉल में बैठ के जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और राधा गोपीनाथ और गौर निताई भव्य सिंहासन पे विराजमान हो। आप लोगों ने हमारे इस्कॉन के दूसरे मंदिर देखे होंगे तो कल्पना कर सकते हैं। और ये अपने मंदिर, नया मंदिर जो बन रहा है उसकी डिजाइन दिल्ली मंदिर जैसे। दिल्ली मंदिर की खासियत क्या है मालूम? आप एक जगह खड़े हो जाओ, तीनों और तरफ के दर्शन होते हैं। गौर निताई के आधा पांच साल की सीताराम में सुना, एक जगह खड़े होके आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गौर निताई के दर्शन कर लिए क्यों आए जाओ, जैसे बॉम्बे में आप पहले गौर निताई के दर्शन करो, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो। आप जो है एकादशी का व्रत करो नए मंदिर के लिए, आप जो है हर मंगला आरती में आने का व्रत लो। जब तक नया मंदिर नहीं बनेगा हम हर रोज मंगला आरती में आएंगे, नहीं तो हर संडे को आएंगे। आप जो है माला, माला का व्रत लो। जो दीक्षित भक्त है वो 20 माला या 25 माला, नए मंदिर के लिए मैं 5 माला एक्स्ट्रा करूंगा यानी। और जो दीक्षित नहीं है वो संकल्प लो रोजाना 5 माला का जप, 10 माला का जप नए मंदिर के लिए करूंगा। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करने का संकल्प ले लो, गीता प्रभुपाद जी की गीता ले ली और रोजाना नए मंदिर के लिए एक अध्याय का पाठ कर लो। तो ये आध्यात्मिक शक्ति से एक वातावरण पैदा होगा और हो रहा है, हम देख सकते हैं वातावरण पैदा हो रहा है। आध्यात्मिक फोर्स जो है अभी उत्पन्न हो रही है और नए मंदिर का भी काम जो है दिल्ली का भी बड़े स्मूथ ढंग से चल रहा है। ये सभी क्रेडिट आप लोगों को जाएगी, जो क्रेडिट है आप सभी भक्तों को जाएगी। तो एक साथ मिलके और पूरी तरह जगन्नाथ जी को प्रार्थना करनी है, ये मंदिर जल्दी से जल्दी 2 वर्ष में तो हमें कंप्लीट करना ही है। 2 वर्ष में कंप्लीट, आपके पंजाब में कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं, शिखर बन दिल्ली जैसा, आपके हिमाचल में कोई मंदिर नहीं, अभी हरियाणा में भी इस्कॉन का कोई मंदिर नहीं, शिखर बन की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में भी नहीं, ये 4-5 स्टेट है यहाँ, यहाँ भी इस्कॉन का जबरदस्त शिखर बन मंदिर कोई नहीं। आप बड़े भाग्यशाली है लुधियाना वासी के आप सबसे आगे निकल गए और आपके शहर में ये शिखर बन और इस्कॉन का मंदिर बन रहा है। आपके लिए ही अपने आप को एक बार मंत्र बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, भागवत कथा की। और हर रोज शाम को 7:30 से 9
31 मई तक ये कथा चलेगी, आप जरूर आइए। अभी प्रसाद के लिए यही बैठ जाओ हॉल में, प्रसाद प्रार्थना कर।